वो लेपर्ड का शिकार करें, इसके बजाय ऐसा होता है कि लेपर्ड उनका शिकार करने लग जाता है। तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत थी वो मुश्किल से एक 18 या 20 साल की लड़की थी। वो लेपर्ड उस चट्टान के पीछे आके छुप गया। जैसे ही लेपर्ड ने उस लड़की को घर से बाहर आते देखा, वो अपनी पेट के बल रेंगता हुआ उस घर तक पहुंचा कि पश्चिम की तरफ जब सूरज ढल रहा था तो उस जंगल से, जिसका गांव वालों ने वर्णन किया था, उस जंगल से एक काकड़ या फिर एक बार्किंग डियर की आवाज़ आई। उस आदमखोर ने अपना आज का शिकार चुन लिया था। तब जिम कॉर्बेट ने एक माचिस की तीली जलाई और चिल्लाते हुए कहा कि अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला तो वे उस सूखी घास की झोपड़ी पे आग लगा देंगे।